नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। खबर मुंबई के ठाणे से आ रही है। मराठा समाज के आरक्षण को राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी का मिला सपोर्ट। आपको बता दें, खबर ठाणे से। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल था। कुछ मराठा समाज के युवकों ने तो आत्महत्या भी की। ऐसे में मराठा समाज को संरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी मांग राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष अण्णा भाऊ ने की। और मराठा समाज को हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, ऐसा उन्होंने ठाणे पत्रकार परिषद द्वारा कहा और मराठा समाज के युवकों को आत्महत्या न करने का आह्वान किया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मुंबई से संवाददाता जया मिश्रा की रिपोर्ट। पत्रकार परिषद किस विषय पे है और क्या मुद्दे लेके आपको सुनाया? आज की पत्र परिषद हमारे राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विठल जी चौधरी, इनकी नियुक्ति आज की गई है। विठल जी चौधरी इसके पहले मुरबाड़ तालुका के अध्यक्ष थे। मुरबाड़ तालुका में और बाकी तालुके में भी है, उनने बहुत सही ढंग से हमारा पार्टी का काम खड़ा किया है। इसलिए पार्टी ने तय किया कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी भी विठल जी चौधरी पे दिया जाए। आज विठल जी चौधरी को पार्टी के तरफ से ये जिम्मेदारी सौंप दी है। मुझे उम्मीद है कि पूरा ठाणे डिस्ट्रिक्ट में विठल जी चौधरी अपना राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी का काम अच्छी ढंग से खड़ा करेंगे और जो भी समस्या लोगों की है, हमारे बेरोजगार की समस्या हो, युवती की हो, महिला की हो, कामगार की हो, वो समस्या का सुझाव करने में वो कामयाब होंगे, यही उम्मीद मैं रखता हूँ। मराठा आरक्षण को लेके पूरे राजनीति गरमाई हुई है, किस तरीके से देखते हैं और आप लोगों की भूमिका क्या है? राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी का मराठा आरक्षण के लिए समर्थन है और राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी की मांग है कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी और अपने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे, ये दोनों मिलके जल्दी से जल्द ये मराठा आरक्षण का मुद्दा अगर निपटते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई अड़चन आने वाली नहीं। लेकिन दोनों सरकार अगर मिलजुल के ये विषय को आगे लेके जाते तो मराठा आरक्षण मिलने में कोई अड़चन नहीं आने वाली। मोदी सरकार की सबसे बड़ा मुद्दा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन देखा जाए तो मोदी सरकार में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी हैं, किस तरीके से देखते हैं और क्या होना चाहिए? इस देश में अभी आपको पता होगा कि 2-3 महीने पहले मणिपुर जल रहा था, देश के कानों कोपरे कोने कोने में, महाराष्ट्र के भी कोने कोने में बहुत सारी महिलाएं है, हमारी युवती है, बालिका है, उसके ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, यहाँ का जो हमारा होम मिनिस्ट्री है वो फेल्यूअर है, वो देश की हो या राज्य की हो। तो हमारा राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी की मांग है कि यहाँ की कोई भी लड़की, कोई भी महिला ये सुरक्षित नहीं लग रही, तो राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी की मांग है कि हमारे जो कोई महिला हो, युवती हो, उनको सुरक्षिता देना, ये दोनों होम मिनिस्ट्री का कर्तव्य है।